सादी रहमतुल्लाह ताला ले कहते हैं, एक बाप अपने बच्चे को कहता था, बच्चे उन लोगों के पास ना बैठा कर, बंदे सही नहीं, तेरे जेहन में वसवसे पैदा कर। उसने कहा, अब्बा जी वो नहीं सही, मैं तो सही हूं ना, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं खुद बड़ा ठीक हूं। तो उसने कहा, बेटा नहीं, सोहबत साले तुरा साले कुनन, और सोहबत ताले तुरा ताले कुनन, चंगिया दे लड़ लगी सा ते मेरी झोली च फुल पै, भैड़िया नाल मैं रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। वाली ने एक मिसाल से समझाना चाहा। उसने कहा, तू ठीक है? कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहा, इस तरह कर, जा बाजार से ना 2 किलो अच्छे वाले सेब लेके आ। नौजवान मेरी बात पे खास तवज्जो करें, 2 किलो अच्छे से वो सेब लाया, बड़े खूबसूरत प्यारे। कहा, देख के लाना, कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, कोई ऐसी। वो देख के लाया, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे, अच्छे सेब। कहा, बेटे अब दोबारा जाओ मंडी और 1 किलो गंदे भी लेके आ, गले सड़े भी लेके आ। उसने कहा, ठीक है। गले सड़े भी ले आया 1 किलो, अच्छे कितने थे? 2 किलो। गले सड़े कितने थे? 1 किलो। अब उसने वो 2 किलो सेब एक टोकरी में डाले और गले सड़े भी उसके अंदर डाल दिए। कहा, बेटे वहां रखा। कहा, अब्बा जी करना क्या है? फरमाया, सवेरे बताऊंगा। सुबह का जब सूरज चमका ना, सुबह का जब सूरज चमका तो वालिद ने क्या किया, उसको कहा, जाओ टोकरी लेके आ। अब जब टोकरी लाया ना, तो गौर करना बात पर, बुरे कितने थे, अच्छे कितने थे। अब जब उसने खोला ना, तो कहा, बेटे खोल, वो जो अच्छे थे वो भी गल गए थे, भी गल सड़ गए। वालिद ने अपने बेटे को समझाया, उसने कहा, बेटा ये जो शर होता है ना, ये जल्दी फैलता है, जो शर होता है ना जल्दी फैलता है, नापाकी थोड़ी सी होती है पर गुसल सारे वजूद को करना पड़ता है, सारे वजूद को नापाकी थोड़ी सी होती पर आप देख लें कि उसके लिए सारा बदन दोबारा से, तो शर थोड़ा सा भी आए तो मैल कुचैल कर देता है। इतना सा भी शर जो होता है ना, वो बहुत सारी जगह पे खराबी पैदा करता है। वो भाई पेशाब का एक कतरा भी दूध में गिर जाए पूरे भरे हुए बर्तन में, तो दूध पीने के काबिल, समझ लो बात। आपने ये कैसे कह दिया कि एक बंदा जरा मेरा गलत है जी, बाकी सारे सही है? वो शर थोड़ा भी जो होता है ना, थोड़ा भी, वो गलबा करता है, वसवसा अंदोजी करता है, बुरे ख्यालात जन्म लेते हैं। इस सीने को अगर साफ रखना है, इस सीने को अगर तवाना रखना है, इस सीने को अगर ठंडा रखना है, तो फिर उनके पास जाके बैठना पड़ेगा जिनके सीने ठंडे हैं। अगर अकीदे को, नजरिए को, सोच को सेहतमंद रखना है, तो कभी बीमार अकीदे वाले के पास नहीं बैठना। सेहतमंद के पास बैठोगे तो सेहतमंदी नसीब होगी, ये याद रख लो।